अब यहाँ पे मान लेना है कि लड़कियों की संख्या x है, माना लड़कियों की संख्या बराबर x है, ठीक। और आगे लड़कों की संख्या वही। अब आगे जो सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए, ठीक। यानी कि लड़के लड़कियों और लड़कों दोनों मिला के कितना है, 10, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें लिख देना है आगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक। यहाँ पे लिख देना है x प्लस वाई बराबर कितना, 10। यानी कि लड़कियाँ और लड़कों मिला के कितने थे, 10। फिर आगे है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, ठीक। यानी कि x माइनस वाई बराबर 4, बात समझ में आई। यानी कि जब लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या घटी है तो कितना आ जी है, 4, यही बात समझ में, ये बात। तो लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या करना है। तो ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2 हुआ, ठीक। अब इनको यहाँ पे x और y का मान निकाल लेना है, तो इसमें लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10, एक्स वाई, और यहाँ पे डिब्बा बना लेना है इसमें। अब यहाँ पे कितना कर दिया जाए, 6 कर दो, 4, ठीक। और इधर 7 करो और 3 करो, 7 × 3 = 10, ठीक। अब आगे समीकरण 1 हुआ, अब समीकरण 2 से यहीं पे लिख दो, समीकरण 2 से ये वाला एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स वाई, तो यहाँ पे कितना कर दिया जाए, यहाँ पे 4 लाना है ना, इसमें से कुछ घटाना है ना जिससे 4 आ जाए, बोलो। अगर यहाँ पे 5 कर दिया जाए और यहाँ पे 1 कर दिया जाए, ठीक है नहीं। अगर यहाँ 6 कर दिया जाए और 2 कर दिया जाए, ठीक। अब आगे क्या करना है, ग्राफ बना लेना है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना लो, ये आपका 0, ये आपका x डैश, ये y डैश, ये y, ठीक। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 और 4, x पे 6, y पे 4, x पे 6 और y पे 4। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये 6 हुआ और ये 4 हुआ, ठीक, यहीं पे आएगा ना ये। फिर 7 और 3, x पे 7 और y पे 3, y पे 3, ये अब इनको मिला देना है, अब दूसरा है 5 और 1, 5 और 1, ये 6 और 2, 6 और 2, ये अब इनको मिला देना है, आई बात समझ में। यहाँ पे क्या करना है, 6 और 2, ये है 5 और 1, ये है 7 और 3, ये था 6
6 4, ठीक। अब देखो एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, 7 और 3 पे, तो समीकरण का हल का है 7 और 3, है कि नहीं। तो x का मान क्या है 7 और y का मान क्या है 3, ठीक। तो यहाँ पे लिख देना है हमें लड़कियों की संख्या, अतः लड़कियों की संख्या बराबर कितना 7, ठीक। और लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर कितना